डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी आज उनकी जयंती पे हम सब लोग उनको याद करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया, जो समाजवादियों को रास्ता दिखाया, समाजवादी आंदोलन को जो उन्होंने जनता के बीच में रखा, लोग संपन्न हों, लोग गैर बराबरी के खिलाफ लड़ें, किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, संपन्नता और समानता का जो नारा दिया और समाजवादी विचारों को जो लेकर के चले, आज के दिन जब हम उन्हें याद करते हैं तो यही संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन दोनों के विचारों को लेकर ही देश खुशहाली के रास्ते पर जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, हर स्तर पर लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को सच से दूर ले जा रही है। किसी तरह के आंकड़े जो सरकार के हैं, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे किसानों के MSP के सवाल के लेकर के हो, और चाहे दुनिया में भारत का स्थान क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर के हमारा देश लगातार नीचे जा रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे MSP को लेकर के, आय दोगुनी को लेकर के, बेरोजगारी खत्म करने को लेकर के, इनकी सरकार में हर वर्ग दुखी हुआ है। आज के दिन हम यही संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया था, उस पर चल करके समाज को और देश को खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएं। सर, ED ने केजरीवाल जी को किंग पिन बोला है और आज भी कई जगह छापेमारी जा रही है कई विपक्षी। ये बहुत ED को लेकर के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के, CBI को लेकर के बहुत दिनों से बहस चल रही है, और देखने को ये मिला है कि जब से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई है, जिस तरीके का इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर करके वसूली हुई है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया। जब खुलासा हो गया, उसके बाद जानबूझ करके न्यूज़ को बदलने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। ED क्या कह रहा है विभाग, और अभी उनका पक्ष भी अपनी बात कहेगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जिस कंपनी ने आरोप लगाया है, जो स्कैंडल है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरी तरीके से कोई पैसा चंदा ले तो वो खराब बात है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से वसूली ठीक बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में दिखाई दे रही है, उस वसूली को छिपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पे इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्यायालय न्याय देगा, और बहुत जल्दी ऐसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो जनता जान जाएगी उनके बारे में।